हेलो एंड वेलकम बैक टू पी वाईकपीडिया हम लोग थर्टी डेज की रैपिड रिविजन सीरीज चला रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए और इस करी में हम लोगों ने अभी तक लगभग सारे सब्जेक्ट कर लिए हैं ये हमारी पच्चीसवा लेक्चर है चौबीस लेक्चर में हमने सारे सब्जेक्ट कर लिए हैं हमारा जो बचा हुआ है वो है आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी तो हिस्ट्री में आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग दो लेक्चर करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट भी समझा दें कि जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं तो कम से कम वो इतने इतना जो है कॉन्सेप्ट करके जाएंगे और एक लेक्चर हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे लेंगे जिसमें करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और प्रीवियस ईयर में कुछ सालों में जो क्वेश्चन आए हैं आर्ट एंड कल्चर पे तो उसमें हम इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पे कुछ क्वेश्चन लेंगे दैन विल स्टार्ट आपको पॉलिटी करेंगे तो ये आपको आज हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दो लेक्चर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू कम्प्लीट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और कल हम लोग जो एट एम अम, एट में जो क्लास लेंगे वो वहाँ पे हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज लेंगे और देन लें फिर कल जो सॉरी ग्यारह बजे जो कल होगी और कल आठ बजे जो रात में होगी वो होगी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और फिर संडे को ग्यारह एम एंड एट पी होगी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और ऐसे करके हम लोग बाई ट्वेंटी फिफ्थ हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल दिस ठीक है तो ये हमारी पूरी शेड्यूल है और आज जो हम लोग करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पे पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उस पर हम लोग करेंगे होप्स वो आप लोग पढ़े होंगे कोई या तो आप एन पढ़े होंगे या स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे या लूसेंट पढ़े होंगे कुछ भी पढ़े होंगे आप या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से तो बस ये जो है आपको एक रिवीजन सीरीज़ है जहाँ पे आपको फ़ायदे मिल जाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं हम लोग तो आपको ज़्यादा अगर आपसे बनेगा तो आपको जो मोरल अप होगा है ना कि आप सॉल्व कर पा रहे हो ठीक है ना सो मॉडर्न इंडिया जो है आ, उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर ज़्यादा फोकस करेंगे ठीक है ना अब क्या है आपको कि इसकी जो पी है वो आपको आपको मिल जाएगी पी आ, टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे पी वाई क्यू अंडर स्कोर पेडीआफ यहाँ पर पे इसका पी मिल जाएगा मैंने कोशिश की है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं उसमें आपको मैं एन सी आर टी एन सी आर टी का कटिंग लगाया है कि आपको ये पता चले कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एन सी आर टी ठीक है ना तो मैंने कोशिश की कि है कि एन सी आर टी की कटिंग लगाएं इसमें लगभग सारे क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि एन सी आर टी की कटिंग लगे ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द सेशन जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है ये न्यूज में भी था द बैटल ऑफ़ रेजांगला एन इपिंग बैटल एन इपिंग बैटल इन हॉस्टाइल कंडीशंस वॉज फॉट बाई इंडियन आर्मी कब की गई थी बैटल ऑफ रेजांगला के बारे में पूछा जा रहा है बैटल ऑफ रेजांगला जो था वो भारतीय सेना के द्वारा में किस वर्ष में लड़ी गई थी तो रेजांगला जो है इसको हम लोग रेचिन ला भी बोलते हैं रेचिन ला ठीक है सो so, ला मतलब होता है पास है ना दिस इज माउंटेन पास तो so, क्या है कि आपको ये लड़ाई जो हुई थी इंडियन चाइन इंडिया चाइना की वार जो हुई थी है ना वो आपको 1962 में जो इंडिया चाइना वार हुई थी उस समय एक ईपिक बैटल इन हॉस्टाइल कंडीशन वाज वॉर्ड वाई द इंडियन आर्मी कब फॉर्ट किया था 1962 में किससे किया था चाइना से अब इसमें डिटेल आपको मैं बता देता हूँ कि इसको रेचिंगला बोलते हैं एक माउंटेन पास है है ना कहाँ पे है देखो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ठीक है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और यहाँ पे इंडिया के लोग हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पे चाइना के लोग हैं मतलब इस साइड चाइना है इस साइड इंडिया है और जो हम आपको बात कर रहे हैं किसकी रेजांगला की तो रेजांगला जो है सो यहाँ पर है ये इंडिया के पार्ट में है और इसमें क्या है कि आपको ये लद्दाख में है ठीक है ना और यहाँ पे आपको ये जो है चाइना का कहना है इसमें चाइना कहता है कि हमारा जो एरिया है वो स्पेंगूर गैप तक है ठीक है ना यहाँ पे स्पेंगुर लेक बेसिन जो है वहाँ तक है बट इंडिया मानता है कि जो चाइना का है इस्टर्न जो चूसुल वैली है है ना चूसल वैली है आपको दिख रहा होगा चूसल वैली ये चूसल वैली है ठीक है ना सो यहाँ पे यहीं के आसपास में ये पास लगी हुई है चूसुल वैली में ठीक है ना और चाइना इसको अपना बाउंड्री मानता है कि ये चूसुल वैली जो है स्पेंगुर गैप जो है सो ठीक है इंडिया इस पार्ट को भी जो इंडिया है वो इस यहाँ के इधर के भी कुछ पार्ट को मानता है अपना एरिया ठीक है सो ऐसा बोला जाता है कि चाइना चाइना चाइनीज एडमिनिस्टर्ड स्पेंगुर लेक बेसिन तो स्पेंगुर लेक बेसिन जो है सो देखो स्पेंगुर लेक जो है सो ये है ठीक है ना तो स्पेंगुर लेक बेसिन इंडिया मानता है कि मेरा है चाइना मानता है कि चाइना तो मानता है कि हमारा चुसुल तक जो है सो मेरा ही है ठीक है ना तो ये आपको चाइनीज एडमिनिस्ट्रेट स्पेंगुर लेक बेसिन है है ना जो कि इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है ठीक है सो तो ये न्यूज में इसलिए था कि ये अभी इसके साठ साल हुए थे दो में नाइनटीन में लड़े थे तो यहाँ पर वॉर मेमोरियल वगैरह जो बनाया गया हुआ है सो तो इसके लिए थोड़ा सा न्यूज में था तो आपको रेजांगला बैटल आपको याद रखना है ठीक है फ्रीडम फाइटर कनक लता बरुआ ये कनक लता बरुआ किस युद्ध में शहीद हुई थी ये क्वेश्चन है सो कनकलता बरुआ जो थी वो असम की थी सोनितपुर असम की ठीक है और ये जो है बीस सितंबर को बीस सितंबर को ठीक है ना बीस सितंबर 1942 को ये ज्वाइन करती है 1942 में क्या हुआ था क्यूट इंडिया मूवमेंट सो क्यूट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन करती है ठीक है इसके बाद फायर में

जिसकी ब्रिटिश संसद में इम्पीचमेंट की कार्यवाही चली थी उन पर तो रॉबर्ट क्लाइव थे या हैं वीटर्ट थे या वॉरन हास्टिंग थे या लॉर्ड कॉर्नवालिस थे तो वॉरन हास्टिंग जो है थे वो गवर्नर जनरल कब से कब थे सत्रह से सत्रह पचासी थे एन का क्वेश्चन है सत्रह सौ तिहत्तर से सत्रह सौ पचासी है और इनपे चली थी आ, आपको इम्पीचमेंट चली थी कहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में ठीक है ना जब वॉरेन हॉस्टिंग सत्रह में टेन्यर पूरा करके इंग्लैंड गए ठीक है इंग्लैंड गए तो वहाँ पर एक थे एडमुंड कौन थे एडमुंड बुरके तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो है मिस गवर्नमेंट जो भी बंगाल में हुआ है, है न मिस गवर्नमेंट मिस्ड गवर्नमेंट इन बंगाल ये इनके कारण हुआ है ठीक है ना तो इसलिए इन पर इम्पीचमेंट की कार्यवाही चली थी और सात साल तक चली थी ठीक है ना सो वॉरेन हास्टिंग आंसर है और देखो एनसीईआरटी की कटिंग है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी बुक से क्लियर अगला है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज डिट द डेंस स्टैब्लिश देयर स्टैप सेटलमेंट इंडिया ठीक है ना किससे स्थान पे डेनिश लोगों ने अपनी वस्ती बनाई थी ये आपको फैक्ट्री के बारे में नहीं बात कर रहा है ये बात कर रहा है सेटलमेंट के बारे में तो सबसे पहले कहाँ पे किया था चिंसूरा कराइकल माहे और ट्रेंक्यूबर सो so द आंसर इज ट्रेंक्यूबर अब इसमें क्या है कि आपको जैसे कि डेंस का पूछा है कल आपको यूरोपियन का पूछा जा सकता है या कल आपको इंग्लैंड का पूछा जा सकता है है ना यूरोपियन इंग्लिश सेटलमेंट पूछा जा सकता है फ्रेंच सेटलमेंट पूछा जा सकता है डच सेटलमेंट तो इसके लिए मैंने ये पूरी आपको मैप दी है जो आपको बात किए थे हम लोग हमसे जो पूछा था वो डेन सेटलमेंट डेनिश सेटलमेंट की बात किया था तो डिश सेटलमेंट में जो है आप देख लो डेनिश सेटलमेंट में ज़्यादा नहीं है सोलह सौ बीस में ट्रेंकवार ठीक है और आपको देखो सेरामपुर जो है वो सोलह में है तो ये दो जो है आपको आपको डैनी सेटलमेंट है तो डैनी सेटलमेंट याद रखना सबसे आसान है वन इज ट्रैंक्यो सबसे पहले फिर सेरामपुर और वैसे भी आपके ऑप्शन में सेरामपुर है भी नहीं तो ट्रैंक्यू आंसर हो गया दो आप यार डैनिस का याद रखें यहाँ से यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो अब इसमें बात है कि जैसे अगर बात करें कि आप किसकी बात करोगे डच सेटलमेंट की बात करोगे ठीक है तो डच सेटलमेंट में कौन कौन है देख लो आप ये यहाँ पे मटारा है और यहाँ जो दो दो दिए हुए हैं कि 1507 में ये पुर्तगाली सेटलमेंट थी बट सोलह में ये आपको डच सेटलमेंट हो गई तो उस तरह से अगर एक नाम पे अगर आपको दो जैसे कि देख लो आप त्रि त्रिनकोण मेल है ये 1522 में पुर्तगाली के पास था सोलह में ये डच सेटलमेंट हो गया और सोलह में ये फिर फ्रेंच सेटलमेंट हो गया ठीक है ना तो वो जो अब चेंज होता था अब जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था कुछ कुछ क्या दिया था चिनसुरा तो चिनसुरा आपको किधर है और चिंसूरा यहाँ पे है और चिंसूरा किसकी सेटलमेंट है डच सेटलमेंट थी ठीक है तो चिंसू चिंसूरा जो है आपको डच सेटलमेंट हो गई इसके बाद अगर आप बात करें चिंसूरा हो गया इसके बाद आप बात करेंगे कौन सा था हमारा कराईकल सो तो कराईकल जो है वो आप देख लीजिए कराईकल किसकी सेटलमेंट है ये फ्रेंच सेटलमेंट है ठीक है और माहे की बात कर रहा है कि माहे किसकी थी तो माहे जो है वही फ्रेंच सेटलमेंट थी तो आपको कैनोर जो हो गया आपको ये आपको पुर्तगाली सेटलमेंट हो गया दीव जो है पुर्तगाली सेटलमेंट हो गया है ना इंग्लिश सेटलमेंट जो प्लस की साइन है सूरत हो गया है ना बॉम्बे बॉम्बे हो गया पहले बॉम्बे पुर्तगाली के पास में थे पंद्रह सौ तक पंद्रह में सिक्सटीन में इसमें आ गए हैं इंग्लिश तो जहाँ जहाँ दो दो है वो समझ गए हैं आप ठीक है इसको आप अच्छे से देख लेना इस पर क्वेश्चन आते हैं क्लियर ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच वन विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया 1947 कौन सी स्टेट है Eastern India का? कौन सी डिस्ट्रिक्टन इंडिया के जिन्होंने 1947 में जहां पे हुआ था रेफरेंडम कि भैया आपको भारत में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है तो ये हुआ था सिलहट में नाउ सिलहट के बारे में आपको मैं बता दूँ अठारह में क्या हुआ था एटीन में इतनी पीछे जाए या नहीं जाए एटीन में बर्मा की जो ट्रूप थी वो असम पे अटैक करता है ठीक है 1816 में फिर 1819 में ठीक है ना और इंटायर असम को वो आपको वर्चुअली बर्मीज ट्रूप जो है सो वो रूल करते हैं 1819 से 24 तक कौन करते हैं रूल बर्मी बर्मीज ठीक है ना तो बर्मा के लोग करते हैं और इससे क्या होता है पीपल जो बर्मा असाम के लोग होते हैं रियल में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आपको अत्याचार किया जाता है ठीक है ना अब इससे क्या होता है कि ये लोग जितने भी होते हैं वो आपको बगल में बंगाल होता है वहाँ भाग जाते हैं ठीक है और यहाँ पे एक होती है ये इंपॉर्टेंट है ये आप याद रख सकते हैं ट्रीटी ऑफ यंदाबो ये होती है 1826 में किसके किसके बीच में बर्मीज एंड ब्रिटिश के बीच में होती है ट्रीटी तो ये आप याद रख सकते हैं अब यहाँ से जब ये ट्रीटी होती है तो ब्रिटिश जो है सो वेस्टर्न असम का कंट्रोल अपने अंदर लेता है वेस्टर्न असम का कंट्रोल अपने अंदर में कौन ले लेता है ब्रिटिश ठीक है ना और वहाँ पे आपको 1800 इसमें क्या हो गया वेस्टर्न असम का ये ले लिया 1833 में पुरंदर सिंह नाम के एक अन, पुरंदर पुरंदर सिंह को वहाँ का किंग बना दिया जाता है अपर असम का ठीक है ब्रिटिश के द्वारा अठारह में लेकिन ये अठारह में बनाता है पुरंदर सिंह को अठारह तक ये चलता है ठीक है अठारह के बाद जो पूरे रीजन को ब्रिटिश ने सो एनेक्स कर लेता है ठीक है ना और 1906 तक जाते जाते तक क्या होता है 1906 में ब्रिटिश क्या करता है पूरे असम को असम वाज मेड अ पार्ट ऑफ मेड अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न बंगाल ठीक है ना ईस्टर्न बंगाल का और ईस्टर्न बंगाल का पार्ट बना देता है ठीक है लेकिन 1911 में फिर इसको रिवोक करना पड़ता है 1913 में होती है पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल असम का फॉर्म्ड होती है है ना 1913 में फर्स्ट लेजिलेटिव काउंसिल ऑफ आसाम फॉर्म्ड होता है ठीक है ना और जिसको आपको बाद में 1913 से 1937 में उसको बना दिया जाता है क्या बनाया जाता है असम लेजिस्टिव असेंबली 1937 में कहाँ पे सिलोंग में ठीक है जब इंडिया के पार्टीशन होती है नाइनटीन फोर्टी सेवन में फोर्टी में तो असम जो है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहता है तो असम जो है सो स्टेट एक इंडिया का स्टेट बन जाता है लेकिन असम में एक डिस्ट्रिक्ट होता है सिलहट तो सिलहट क्या बोलता है कि नहीं सिलहट है डिस्ट्रिक्ट उसमें करीमगंज सब डिवीज़न है उसको छोड़ देते हैं तो ये जो है सो होती है यहाँ पर रेफरेंडम और रेफरेंडम में आपको वो लोग कोशिश वो लोग करते हैं कि हम पाकिस्तान यूनियन के साथ ज्वाइन होंगे लेकिन करीमगंज सब डिवीज़न जो होता है उस डिस्ट्रिक्ट का वो बोलता नहीं हम इंडियन इंडिया के साथ रहेंगे ठीक है सो उन्नीस में जो रेफरेंडम होती है वो जो है सो उसके तहत ये जो डिस्ट्रिक्ट का है, कुछ पार्ट जो है समझ गए एक सिलहट डिस्ट्रिक्ट है आसाम में उसके कुछ पार्ट जैसे करीमगंज सब डिवीजन था वो नहीं जाता है बट सिलहट के कुछ पार्ट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है उनको दे दिया जाता है ठीक है क्लियर समझ गए आप बात को तो सिलहट है मैंने इतनी कहानी बता दी है समझ में आया तो ठीक नहीं तो आप बस याद रख सकते हो अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स कुड बी सीन एज लाइंग द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया कौन सी बैटल है ठीक है ना जिससे ब्रिटिश राज की भारत में नींव पड़ी है ना तो ये कौन सी बैटल है क्या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है बैटल ऑफ पलासी है बैटल ऑफ बक्सर है रिवोल्ट ऑफ 1857 ठीक है ना तो फॉर्मल ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये माना गया है कि सत्रह में आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी प्लासी की युद्ध होती है सत्रह में आपको बैटल ऑफ बक्सर कब होती है सत्रह में ठीक है ओके थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होती है सेवनटीन सिक्सटी वन में तो ऐसा माना जाता है कि जो फॉर्मल ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो आया था वो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी जब नवाब ऑफ बंगाल अपनी डोमिनियन को सरेंडर कर देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ठीक है ना तो ठीक है तो ये आपको बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ ये जो है आपको एन की कटिंग है अगला है द महा सत्याग्रह ऑफ नाइनटीन ऑर्गेनाइज बाई किसने किया था महाठ सत्याग्रह सो so, महाठ सत्याग्रह जो है वो किसने किया था मार्च 1927 को मार्च 1927 को जो बाबा साहब अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर और उनके फ्लोअ फॉलोअर वहाँ से पानी पीते हैं जहाँ पे उनके कम्युनिटी को पानी पीना अलाउड नहीं होता है ठीक है so, सो वहाँ से पानी पीते हैं और वहाँ पे वो मनुस्मृति को जलाते हैं मनु स्मृति ठीक है ना उसको वो जलाते हैं तो ये महासत्याग्रह कहाँ किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था आपको बाबा साहब अम्बेदकर के द्वारा ठीक है द सत्यशोधक समाज त्रुथ सिकिंग सोसाइटी व सेटअप बाई सत्यशोधक समाज किसके द्वारा सेटअप की गई थी तो ये आपको सत्य शोधक समाज जो है वो आपको ज्योतिरा ज्योतिबा फूले के द्वारा बनाई गई थी और ज्योतिबा फूले के बारे में आप याद रखना अठारह सौ तिहत्तर ईस्वी में इन्होंने एक बुक लिखी थी उसका नाम है गुलामगिरी मतलब स्लेवरी है ना तो ये आपको याद रखना है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा ये आपको एनसीआरटी की कटिंग है अगला है कि डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन 1943 फोर्टी थ्री कहां पर इन्होंने अनाउंस किया था तो ये अगेन एन का है कि इन्होंने नाइनटीन फोर्टी वन में जनवरी देखो नाइनटीन फोर्टी वन में इन्होंने कहा था क्या कहा था कि फादर ऑफ़ नेशन किसको बोला था फादर ऑफ़ नेशन ठीक है ना और महात्मा गांधी को इन्होंने नाइन जनवरी 1941 में बोला था कि फ़ादर ऑफ़ नेशन और ये जाते हैं कलकत्ता में अपने घर को छोड़ करके जाते हैं सिंगापुर कहाँ जाते हैं सिंगापुर सिंगापुर जर्मनी भाया भाया जर्मनी जाते हैं और वहाँ पे बनाते हैं आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल तो ये कहाँ पे बनाते हैं सिंगापुर में गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन 1943 में ये बनाते हैं ठीक है अब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ देखिए मार्च मैं सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ बता देता हूँ अट्ठाईस मार्च नाइनटीन को इन्होंने इन्होंने बनाया था uh, टोक्यो में कहाँ पर टोक्यो में टोक्यो में क्या बनाया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इंडियन इंडी पेंडेंस ठीक है ना लीग ठीक है और इसमें जो है अक्टूबर 21 1943 को इन्होंने बताया था, बनाया था इंटरीम गवर्नमेंट अर्जी हुकूमत अर्जी हुकूमत आजाद हिंद ठीक है ना और उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बोला था ठीक है और इसमें आपको एक चीज और याद रखना है कि जो इनका वार स्लोगन था वो क्या था दिल्ली चलो दिल्ली चलो और वुमेन्स रेजिमेंट भी यहाँ पे होते थे उसका नाम कौन सा था रानी झांसी रेजिमेंट है ना? सो so, जो वुमेन्स के रेजिमेंट है उनका नाम था जा, रानी झांसी रेजिमेंट और इसकी रानी झांसी रेजिमेंट जो थे उसकी हेड कौन थी लक्ष्मी स्वामीनाथन कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन एक एक चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना हिटलर के हिटलर के हेल्प से इन्होंने बनाया था मुक्ति सेना हिटलर के विद द हेल्प ऑफ हिटलर इन्होंने बनाया था मुक्ति सेना और दिसंबर तीस तीस दिसंबर नाइनटीन फोर्टी थ्री को नाइनटीन फोर्टी थ्री को इन्होंने ट्राई कलर फ्लैग को फहराया था आईएनए के द्वारा ठीक है ना ट्राई कलर फ्लैग को और इनके बाद में इनके नाम पे अंडमान निकोबार का नाम शहीद स्वराज स्वराजदीप डाला गया ठीक है मुझे लगता है कि इतना अभी तत्काल के लिए आप सुभाष चंद्र बोस का आईएनए के बारे में थोड़ा सा इतना पता रखें ठीक है और ये आपको एन की कटिंग है अगला है कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स सो गांधी इरविन पैक्ट कब हुई थी और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था ये आपको याद रखनी है ठीक है ना तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले जैसे कि गांधी जी आए हैं नाइनटीन में है ना सो so, गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं फिर होती है इनका जो है 1916 में इनका होता है बी एच यू में पहला फर्स्ट एफियरेंस इन बी एच यू में फिर आपको 1917 में ये आपको लड़ते हैं जाते हैं चंपारण राजकुमार शुक्ला बुलाते हैं बिहार से ये जाते हैं चंपारण सत्याग्रह में इसके बाद उन्नीस में उन्नीस में क्या होता है खेदा और अहमदाबाद दोनों होता है खेदा एंड खेदा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह ठीक है तो ये दोनों आपको 1918 में होता है फिर इन्हें नाइनटीन में आपको होता है रॉलेट सत्याग्रह क्या होता है रॉलेट सत्याग्रह ये मार्च अप्रैल में होता है और रॉलेट सत्याग्रह के बाद 1919 में होता है जालियावाला बाग ठीक है जालियावाला बाग इसके बाद होती है 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट भी होती है खिलाफत मूवमेंट होती है ठीक है उन्नीस में बरदोली में है ना पीजेट मूवमेंट होती है किसान आंदोलन बरदोली में होती है बरदोली सत्याग्रह इसके बाद 1929 में होती है पूर्ण स्वराज की डिमांड होती है पूर्ण स्वराज की डिमांड होती है कहाँ पे कांग्रेस के लाहौर सेशन में ठीक है 1930 में होती है सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट 1931 में होती है गांधी इरविन पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट होती है ठीक है ना और गांधी इरविन पैक्ट में यह एग्री की जाती है कि हाँ ठीक है सेकंड राउंड टेबल कौन जो फर्स्ट में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम पार्टिसिपेट करेंगे ये 1931 में ही होती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट गांधी इरविन पैक्ट पहले होती है फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ठीक है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन जाते हैं महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं उसके बाद सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं इसके बाद ठीक है ना नाइनटीन थर्टी फाइव में आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ठीक है ना और 1937 में होती है इलेक्शन ठीक है 1937 में होती है इलेक्शन 1939 में ये फिर रिजाइन कर देते हैं जो कांग्रेस मिनिस्ट्री से जब इलेक्शन होती है उसमें आपको 11 प्रोविंस में पाँच में जो कांग्रेस होती हैं वो मेजॉरिटी में आती है ठीक है ना इसके बाद 1939 हो गया इसके बाद होती है 1942 में ट इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन होती है अगस्त में आठ अगस्त नाइनटीन फोर्टी टू को भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट होती है और नाइनटीन फोर्टी सिक्स में ठीक है ना ये आपको वह, आ, ये कम्युनल वायलेंट होती है और नाइनटीन फोर्टी सेवन में आपका प्यारा भारत आज़ाद हो जाता है दिस इज ऑल दिस इज द टाइम लाइन ऐसे आपको याद रखना है क्लियर अगर आप ऐसे याद रखते हो तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा कोई भी चीज़ को आप बना के रखो ठीक है सो गांधी इनविन फैक्ट 1931 में सेकेंड राउंड टेबल उसके बाद हुआ है तो 1931 के दिसंबर में ये हुआ है ये कब हुआ है मार्च में हुआ है बरदौली में कब हुआ है 1928 में खेदा में कब हुआ है 1918 में अब देख लो आपको विज वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी आपको याद होना चाहिए अगर क्रोनोलॉजी याद रहेगा तो आप कर लोगे अच्छा नाइनटीन में आपको सिविल डिसबीडियंस मूवमेंट होता है वहाँ पर आपको डांडी मार्च भी होती है तो डांडी मार्च भी आप याद रख सकते हैं क्लियर ऐसे याद आप रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्यस्ट सबसे पहले क्या हुआ था खेदा खेदा कहाँ है भाई खेदा है फोर्थ नंबर में तो सबसे पहले हुआ था खेदा इसके बाद हुआ था खेदा के बाद कौन सा हुआ था बरदौली मतलब फोर के बाद थ्री देन फिर वन फिर टू होप आपको ये समझ में आया होगा पूरी क्रोनोलॉजी ठीक है ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते थे अगला है हु एमोंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द भूदान मूवमेंट देखो ये एनसीआर टी की छत्तीस सतवी की सातवीं के बुक में दिया हुआ है ठीक है ना और ये भूदान और ग्रामदान जो स्टार्ट किया था वो विनोदा भावे ने स्टार्ट किया था और विनोदा भावे ने जो स्टार्ट किया था कि भाई जो गरीब हैं जो लैंडलेस है आपके पास ज़्यादा लैंड है तो आप उनको दे दें है ना तो ये जो होगा इसमें जैसे कि मान लीजिए कि पूरा कुछ ज़मींदार जो है जो विलेज का पूरा मालिक था वो पूरा विलेज को ही लैंडलेस को दे दिया तो उसको बोलते थे ग्रामदान और थोड़ा जमीन अगर दे रहे हैं तो उसको बोलते थे भूदान ठीक है ना सो तो भूदान ग्रामदान जो है उसका कौनसेप्ट विनोदा भावे का था और इसी कड़ी में जब विनोदा भाभा ने ये अनाउंस किया था तो रामचंद्र रेड्डी थे कौन थे रामचंद्र रेड्डी और ये रामचंद्र रेड्डी ने अपना 80 एकड़ जमीन लैंड 80 एकड़ लैंड बांट दिया था किस में जो आपको लैंडलेस विलेजर थे ठीक है ना किसी के पास बहुत ज़्यादा जमीन था किसी के पास कम था तो इसके लिए इसको किया गया था ठीक है सो भूतान यह आपको एक्सप्लानेशन है अगला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आफ्टर फॉर्मिंग द आई एन ए सुभाष चंद्र बोस रिक्रूटेड ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर इन जापानीज कैंप इंट्रोड्यूस वुमेन्स डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर द रानी ऑफ झांसी ये मैंने आपको बताई थी कि जो इन्होंने एक वुमेन्स बनाई थी रेजिमेंट झांसी की रानी ऑफ झांसी के नाम से और इसकी हेड कौन थी मैंने आपको बताया था कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन कौन थे कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन तो दूसरा तो सही है ठीक है तो ये जो था जो आपको सबसे पहले जो आपको मोहन सिंह जो थे मोहन सिंह उन्होंने 1942 में बनाया था आपको आई एन अब इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने है ना आ, जो भी जो जापानी गवर्नमेंट थी है ना जापानी जो थे वो थे वो पर्सन ऑफ बार है ना प्रिजनर्स ऑफ वार ये जितने भी जापानीज इंडियन प्रिजनस ऑफ वार्थ हैं वो मोहन सिंह को दे दिया है ना सो so, मोहन सिंह ने इनको रिक्रूट किया था बट बाद में कुछ इनको जापानीज के साथ कुछ डिफरेंस हो गई जिसके कारण है ना जिसके कारण ये जो है डिफरेंस uh, के कारण uh, ये थोड़ी uh, दोनों के बीच में थोड़ी सी डिफरेंस हो गई थी किसके किसके बीच में मोहन सिंह और इसके बाद में तो ये पहला फेज में आई का था फिर जब सेकेंड फेज आई का जब हुआ जब सुभाष चंद्र बोस जो है सो सिंगापुर आए थे तो ठीक है ना तो ये आपको याद रखना है और इसमें जो है सो रिक्रूटेड सुभाष चंद्र बोस रिक्रूट नहीं किए थे ये मोहन सिंह ने किया था और रिक्रूटेड लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन प्रिजनर ऑफ वार इन जापानीज कैम्प ये फर्स्ट फेज में हुआ था नाइनटीन फोर्टी टू में मोहन सिंह ने ये रिक्रूट किया था ठीक है जापानीज गवर्नमेंट के साथ मिलके सो आंसर इज टू वनली क्लियर ठीक है तो ये आपको आंसर हो गया अगला है कि हु एमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन नाइनटीन सेंचुरी अब हिंदू धर्म सभा का किसने किया था राधा कांत देव राजा राम मोहन राय द्वारका नाथ टैगोर और केशव चंद्र तो जो धर्म सभा था वो किसने किया था देखो राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्मो समाज ब्रह्मो समाज ठीक है इसको मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं इन्होंने बुक लिखा था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ठीक है ना और ये जो है बाद में बना आत्मीय सभा आत्मीय सभा अब इनका अपोज किसने किया राधाकांत देव ने और राधाकांत ने इनके काउंटर में बनाया धर्म सभा धर्म सभा ठीक है इसके बाद ये आपको द्वारका नाथ टैगोर जो थे वो द्वारका नाथ टैगोर और केशव चंद्रसेन केशव चंद्रसेन ठीक है ना तो ये कब क्या किया था ये जो आपको धर्म सभा था धर्म सभा को बाद में ज्वाइन किया था इसने इन्होंने देवेंद्र टैगोर ने ठीक है और देवेंद्र टैगोर जो हैं वो तत्वबोधनी सभा जो है सो उस एटीन में बनाए थे और उसमें क्या किया था इन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य बना दिया था लेकिन फिर अब केशव चंद्र सेन की कुछ आइडिया उनको सही नहीं लगी तो उनको बाद में हटा दिया गया तो केशव सन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की फिर से बन बनाते हैं गठन करते हैं 1866 में एक नॉर्मल ब्रह्म समाज थी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ठीक है ना और द्वारका जो द्वारका नाथ टैगोर था समाज उनका नाम हो गया था आदि ब्रह्म समाज ठीके? ठीक है ठीक क्लियर तो आपको बस याद रखना है राधाकांत देव और केशव चंद सेम ने बाद में बनाया था नव विधान नव विधान ये भी इसमें इन्होंने बनाया था ठीक है क्लियर और भी बाकी है प्रार्थना समाज आप याद रखें आत्मा राम पांडुरंग है है ना ये आपको राधाकांत देव हो गया ठीक है अगला क्वेश्चन है हु एमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ माजे विद्यापीठ द फेमस पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बम्बे माजे विद्यापीठ ये किसने लिखा है सो so ये लिखा है नारायण सुरवे ने नारायण सुरवे अब ये एनसीआरटी में लिखी हुई है द मेनी साइड ऑफ बॉम्बे है ना सो एक्सेप्टेड फ्रॉम द पोएम माझे विद्यापीठ 1975 बाय नारायण सुरबे माय फादर केम डाउन द सहयाद अ क्विल्ट ओवर हिज शोल्डर ही स्टूड एट योर डोर स्टोप डोर स्टेप विथ नथिंग बट हिज लेबर तो ये जो बॉम्बे की लेबर हैं उसके बारे में इन्होंने एक पोयम लिखी थी तो so, वो था माझे विद्यापीठ क्लियर अगला है हु एमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन द कोर लीडरशिप ऑफ द नॉन एलाइंग मोवमेंट इन इट्स फॉर्मेटिव फेज जब ये बना था तो इसमें से कौन से मेंबर नहीं थे ठीक है नॉन एलाइंग मूवमेंट की मीटिंग होती है जो आपको तीन लीडर थे एक थे जोसिफ ब्रोज कौन थे जोसिप ब्रोज जोसिफ ब्रोज टीटो ये कहाँ थे योगो स्लोवाकिया योगो स्ला, योग योगियाज ठीक है ना यूगे के थे तो जोसेफ है ना जोसेफ ब्रोज टीटो इंडिया के जवाहरलाल नेहरू है ना और इजिप्ट के गामल अब्देल नसीर ये कहाँ के थे इजिप्ट के ये मीटिंग करते हैं कब मीटिंग करते हैं 1956 में और इसमें कुछ और लोग सपोर्ट करते हैं एक कौन थे इंडोनेशिया के सुकरनो ठीक है सो so, इंडोनेशिया के सुक्रनो तो आपको एक और नाम लिख लो सुकरनो और घाना के ये घाना के थे आ, ये कामे इंक्रुमा कामे कामे इंक्रुमा ये कहाँ के थे घाना के ठीक है ना तो ये जो चार थे ये तीन ये हो गए एक कामे इंक्रुमा हो गए घाना के इसके बाद जमाल अब्देल नासिर जामेन जमाल अब्देल नासिर इजिप्ट के हो गए जवाहरलाल नेहरू इंडिया के जोशी ब्रोज टीटो युगला यु, युगोस्लाविया के और सुक्रामो जो हो गए हैं सुकरानो वो इंडोनेशिया के हो गए हैं ये सब मिलकर के बनाया था आपको एन एम स्टार्टिंग में यही सब मेंबर थे ठीक है सो आंसर कौन सा नहीं है सो फीडेल कैस्ट्रो नहीं है क्लियर ये आपको एक्सप्लेनेशन में एनसीईआरटी में दी हुई है अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसराइज वाज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट इज कौंसिल टू शिमला इन समर सीजन कौन वाइसराज थे जो आपको समर सीजन में कैपिटल को शिफ्ट किया शिमला है ना तो ये थे आपको जॉन लॉरेंस जॉन लॉरेंस ने शिफ्ट किया था ये इसलिए बात करते थे कि जो कोल्ड हिली स्टेशन थे इंडिया के हिल स्टेशन वो यूरोप के क्लाइमेट से मैच करते थे ठीक है ना कोल्ड जैसे वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट था तो वहाँ पे यहाँ पे भी कोल्ड क्लाइमेट था ठीक है ना तो इसलिए वो वहाँ पे कैपिटल को सेव किया और बाकी जितने भी जो वायसराय होते थे वो हिल स्टेशन में समर के समय में उनको इतनी गर्मी लगती थी कि वो चले जाते थे हिल स्टेशन पे ठीक है ना तो 1864 में 1864 में जॉन लॉरेंस जो था उन्होंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कि शिफ्टिंग कैपिटल ड्यूरिंग द हॉट सीजन गर्मी के समय में हम कैपिटल को शिमला कर देंगे ठीक है और वहाँ पर शिमला जो है जो कमांडर इन चीफ वहाँ के थे इंडियन आर्मी के ठीक है ना ब्रिटिश इंडिया के वो भी वहाँ पे उनका रेसिडेंस हुआ करता था मुझे लगता है इतना से आपका काम चल जाएगा ठीक है ये एक्सप्लेनेशन एन से ली गई है अगला है कि विच मेंबर्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन नाइनटीन अब बोल रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने ठीक है ना और बनाया था सेवा समिति इलाहाबाद में 1914 में ठीक है तो पहले आप बात करो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये किसने बनाया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था गोखाले ने गोखाले ने बनाया था कब बनाया था भाई 1905 में इसमें इसमें हेल्प इनको कौन किया था बनाने में एम जी रनाडे एम जी रनाडे इनको हेल्प किया था ठीक है ना और इसमें एक चीज और आप याद रखो कि इन्होंने एक पत्रिका जो पब्लिश की थी नाइनटीन में उसका नाम था हितुद हितवाद ठीक है और गोखाले की देथ जब हो गई थी तो श्रीनिवास शास्त्री जो है श्रीनिवास शास्त्री श्रीनिवास शास्त्री ये जो है प्रेसिडेंट बन गए थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कब बनी थी 1905 में किसने बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने अब गोखले ने बनाई थी उसको सहयोग कौन किया था एम जी रानाटे इनकी पत्रिका एक निकलती थी क्या नाम था हितोवाद और जब ये देथ कर गए तो कौन बना श्रीनिवास शास्त्री इतना तो याद रखी सकते हो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ठीक है तो अब इसमें आपको क्या याद रखना है ये जो कौन से मेंबर थे तो हृदयनाथ कुंजरू ये हृदयनाथ कुंजरू जो हैं वो आपको इसके मेंबर हुआ करते थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की और इन्होंने सेवा समिति इलाहाबाद में उन्नीस ईस्वी में ओपन की थी फाउंड किया था ठीक है इनके बारे में एक और चीज़ याद रखना कि ये कंस्टिट्यूट असेंबली के भी मेम्बर थे कंस्टिट्यूंट असेंबली के भी मेम्बर थे तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया इसके बाद श्रीनिवास शास्त्री मैंने बता दिया श्रीनिवास शास्त्री के बारे में ये आपको पूछा गया है बस श्रीनिवास शास्त्री क्यों पूछा गया समझ में आ गया होगा आपको श्रीनिवास शास्त्री कौन थे वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया शास्त्री के गोखाले के मार गोखले के मरने के बाद इन्होंने आ, ये जो है सो प्रेसिडेंट बन गए थे होप आपको ये समझ में आया होगा अगला है द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नाइन्टीन सेंचुरी एम डेट अब इसमें ना आप कुछ एक दो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको इसमें आप क्या याद रख सकते हो दो तीन पॉलिसी याद रखो आप पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ये किसने दिया था जॉन सोरे ने इसके बाद पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी ये कौन है जॉन लॉरेंस ने इसके बाद पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व ये दिया ने दिया था और एक था फॉरवर्ड पॉलिसी मुझे लगता है आपको ये याद रखनी चाहिए ऑकलैंड ने दिया था ठीक है ना अफगानिस्तान के प्रति इनका जो ये था अब अभी हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नाइन्टीन सेंचुरी ये क्या था ठीक है तो अब इसमें पूछ रहा है कि स्ट्रेंथिंग अफ़गानिस्तान एज ए बफर अगेंस्ट रशिया वीकनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान बट नॉट प्रमोटिंग ए स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान इधर प्रमोटिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान टू कंट्रोल इंसर्जेंट ट्राइबल लीडर्स एनेक्सिंग अफगानिस्तान एज ए डायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश टेरिटरी देखो जब 1836 में ये आए थे कौन ऑकलैंड कौन आया था ऑकलैंड तो ऑकलैंड जो आए थे तो इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी की ये फॉरवर्ड पॉलिसी दी थी तो फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या था कि इसमें कहा था कि जो गवर्नमेंट है है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी जो है वो क्या करेगी वो जो ब्रिटिश बाउंड्री है है ना वो रसियन अटैक से कंट्रोल करेगी ये फॉरवर्ड पॉलिसी इनकी थी ठीक है ना तो आप ये कैसे करेंगे तो या तो आप क्या करेंगे कि नेबरिंग कंट्रीज़ को है ना तो या तो आप ट्रीटी बना लो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में या उसको अनैक्स कर लो ठीक है तो ये आपको ये आपको क्या किया था जैसे कि आपके जो इंडिया है वहां पे क्या किया था आपने इस इन्होंने एक ट्री पैराइट ट्रि, ट्रिटी हुई थी ट्री पैराइट ट्रिटी की गई थी उसमें कौन कौन थे ब्रिटिश के लोग थे और आप देख लो अफगानिस्तान के तरफ कौन है सिख सिख और साहसुजा डिटेल में ज़्यादा बताऊंगा नहीं है ना ये अफ़गान थ्रोन से डिपोज किए गए थे है ना तो ये सब मिलकर के एक ट्रीटी बनाते हैं ये ट्रिपैराई टी करते हैं अट्ठारह सौ ईस्वी में ठीक है ना तो इसमें क्या था तो इस ये हो गया तो ये ब्रिटिश चाहता था कि जो रशिया है है ना उसको वीक कर दिया गया अफगानिस्तान में बट ये स्ट्रांग लेकिन ये अफग़ानिस्तान भी स्ट्रांग नहीं चाहता था आप समझ गए ये चाहता था कि रशिया का इन्फ्लुएंस कम कर ले बट अफगानिस्तान भी ज़्यादा मजबूत नहीं होगा नहीं तो हमको दिक्कत हो जाएगी क्लियर yeah. तो ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी कि वी रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान वो चाहते थे कि रसिया के इन्फ्लुएंस जो है सो कम हो लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान जितना मजबूत हो जाए जो बाद में हम ही भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दें सो दिस इज़ द आंसर वो इनका एम यही था ठीक है ना अफगानिस्तान को स्ट्रेंथ करने का कोई एम नहीं था है ना और इन्होंने त्रिपाई राइट्स अपने जो बाउंड्री एरिया वाले थे जितने भी राजा प्रिंसली स्टेट्स वगैरह उनके साथ इन्होंने संदीप संधि भी किया था ठीक पैराइट किसके किसके बीच में होता ब्रिटिश सिक्स और सासूजा के बीच में मुझे लगता है इतना काफ़ी है और ये सारी जो पॉलिसी है ये ब्रिटिश अपनाते थे ठीक है इसमें बहुत कुछ हो सक बोल सकते हैं बट नॉट इम्पोर्टेंट हुमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ वीमेन लेबर लीडर हु ऑर्गेनाइज वर्कर्स इन द स्ट्राइक इन द नाइनटीज ट्वेंटी अब इसमें क्या है एक जो आंसर होगा वो सरवला देवी चौधरी होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे पहले हम लोग देखते हैं उषाबाई डांगे कौन था तो ये जो है फर्स्ट वीमेन पार्टिसिपेंट वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन पार्टिसिपेंट इन ट्रेड यूनियन मूवमेंट ठीक है ना सो पार्टिसिपेंट इन ट्रेड यूनियन मूवमेंट इसके बाद प्रभावती देवी ज्योति प्रभावती देवी तो आपको जयप्रकाश नारायण से शादी की थी जयप्रकाश नारायण से और ये भी जो है आपको लेबर के लिए काम कर रही थी लेबर लीडर थी है ना और आ, ये जो होगा जो स्ट्राइक हुई थी नाइन्टीन ट्वेंटीज में है ना तो वहाँ पे ये लीड की थी प्र, प्रभावती, दा, प्र, 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 प्रभावती दास प्रभावती दास गुप्ता है ना प्रभावती देवी क्लियर ये जो स्केवेंजर्स स्ट्राइक हुए थे है ना जूट की, जूट की मिल में जो स्ट्राइक हुई थी वहाँ पे ये आपको लीड की थी इसके बाद ये कौन है अनुसुया बहन अनसुया बहन तो आपको पता ही होगा कि अहमदाबाद में जो 1914 में जो प्लेग हुई थी उसमें आपको जो है सो ये आ, हेड थी ठीक है ना और खेदा सत्याग्रह में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था तो ये सारी लेबर लीडर थी आपको सरला देवी चौधरी नहीं थी अब सरला देवी चौधरी जो थी उन्होंने बनाई थी भारत स्त्री महामंडल इसके बाद दिस वन इज द फर्स्ट विमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फर्स्ट विमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये याद रखना आप इतना मुझे लगता है कि काफ़ी है सरला देवी चौधरी के बारे में उषा भाई डांगे प्रभावती देवी अनुसुईया बहन ये सब जो है आपको पता है अगला एक इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन इस्टैब्लिश बिटवीन यूरोप एंड इंडिया अब देखो क्वेश्चन को आपको समझना है जो फर्स्ट टेलीग्राफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया ने शुरू किया था वो अठारह में किया था कहाँ से मुंबई से पुणे के लिए मुंबई टू पुणे तो ये इंडिया में ट्रायल किया था अठारह सौ में ईस्वी में सबसे पहले मुंबई टू पुणे अब क्या है इसमें कि अठारह में स्टार्ट तो किया था बट इसमें पूछ रहा है कि द फर्स्ट टेलीग्राफ कनेक्शन इस्टैब्लिश बिटवीन यूरोप एंड इंडिया के बीच में कब हुआ था तो ये हुआ था अठारह में तो ये दोनों में अंतर है पहला टेलीग्राम ये क्या कहते हैं उसको टेलीग्राफिक कनेक्शन कब इंडिया में कब हुई थी तो ये हुई थी आपको टेलीग्राफ सर्विस या पहला अठारह में हुआ था ठीक है और 1865 में इंडिया से यूरोप तक आपको टेलीग्राफिक कनेक्शन की स्टेब्लिश की गई थी ठीक है तो आपको ये समझ में आ गया अगला है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट अहमदाबाद मिल सत्याग्रह स्ट्राइक कब हुआ था 1918 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था 1917 में हुआ था जालियावाला जालियावाला बाग मैस्कर कब हुआ था 1919 में हुआ था सत्याग्रह सभा कब फॉर्म किया गया ये भी हुआ था 19 19 में स्टार्टिंग में तो अब सबसे पहले क्या हुआ था चंपारण सत्याग्रह तो दूसरा हुआ फिर कौन सा हुआ था अहमदाबाद ठीक है सो टू वन तो टू वन में एक ही ऑप्शन है ठीक है ना तो आपको थ्री uh, फोर फिर फाउंडेशन ऑफ़ द सत्याग्रह सभा और उसके बाद जालियावाला बाग ये आपको मैस्कर होता है ये मैंने आपको एक जगह सारा बता दिया था ठीक है तो आप इसमें क्रोनोलॉजी भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है क्लियर अगला क्वेश्चन है हमारा द ईयर 1916 इज इम्पोर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री अब 1916 में क्या क्या हुआ था ये पूछ रहा है तो पहला है लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस कांग्रेस लीग पैक्ट और फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग पहला है कि लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस तो होती है लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस अब याद रखना है दिसंबर 1916 में लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस होती है वहाँ पे कौन हेड होते हैं अंबिका अंबिका चरण मजुमदार ठीक है ये होते हैं लखनऊ सेशन के हेड और लखनऊ सेशन ऑफ में यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं जो उसको नाइनटीन में एक स्प्लीट किया जाता तो है हटा दिए जाते हैं उनको री एडमिशन मिल जाती है फिर आपकी होती है कांग्रेस लीग पैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लखनऊ पैक्ट ठीक है सो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में होती है और यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है एक्सेप्ट कर लेती है मुस्लिम लीग की डिमांड को कौन सी डिमांड को मुस्लिम लीग की कांग्रेस एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग क्या रहती है डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट पे बात हो जाती है डिमांड मान ली जाती है ये लखनऊ फैक्ट होती है 1916 में क्लियर इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग ये भी आपको 1916 में ही होती है अब फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग जो होती है वो आपको आ, तिलक इसमें तिलक याद रखना है और एक आपको एनी बेसेंट याद रखना है एनी बेसेंट और तिलक कहाँ कहाँ करते थे महाराष्ट्र महाराष्ट्र सेंट्रल प्रोविंस बिरार और कर्नाटका और याद रखना है और जो एनी बेसेंट थी वो पूरे रेस्ट इंडिया में बॉम्बे तो बॉम्बे और महाराष्ट्र दोनों अलग था सो महाराष्ट्र सेंट्रल प्रोविंस बिरार और कर्नाटका में कौन किए थे तिलक ने किया था ठीक है और एनी बेसेंट जो है वो बॉम्बे और रेस्ट ऑल इंडिया में किया था ठीक है ना सो so, ये आपको इतना याद रखोगे तो मुझे लगता है कि काम आपका चल जाएगा और सो आंसर इज डी ठीक है और ठीक है क्लियर अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द नाइनटीन सेंचुरी पिजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड ग्रेन लीडर्स ग्रेन डीलर्स इन मई एटीन एट विलेज सुपा इन पूना डिस्ट्रिक्ट इन द बॉम्बे डेकन पिजेंट्स अटैक सॉफ्ट बंट द बही खाता लूटेड ग्रेन सॉफ्ट एंड सेट फायर टू द हाउसेज ऑफ साहूकार अब ये बोल रहा है कि उन्नीसवीं शताब्दी में जो पीजेंट थे वो बहुत सारे भारत के विभिन्न हिस्सों में जो मनी लेंडर्स थे और जो अनाज के व्यापारी थे ग्रेन डीलर्स थे उसके विरोध में विरुद्ध किए ठीक है थीके? तो ये आपको दोनों सही है आपके ठीक है सो आंसर ही हो गया बोथ वन एंड टू क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग वाजू आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इस्टैब्लिश इन सेप्टेम्बर नाइनटीन पहला तो आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कब इस्टैब्लिश हुआ था सो so, 1928 में एच की स्थापना हुई थी ठीक है और ये जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी फिरोज शाह कोटला में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में दिल्ली में मीटिंग हुई थी और इसमें कौन कौन थे भगत सिंह थे और जतिन दास थे ठीक है ना जतिन दास थे जतेंद्र नाथ लिखा हुआ है जतेंद्र नाथ दास ही होगा फिर और एक थे आपको आ, अजय घोष तो ये तीनों आपको आ, ये तीनों आपके जो फाउंडर मेंबर हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन रिपब्लिकन आर्मी के ठीक है ओके ठीक है तो ये आपको याद रखना है पहले ये था एचआरए, ठीक है ना? जो नाइनटीन ट्वेंटी वन फोर में बनाया गया था 1924 में किसके द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल सचिन सन्याल और जोगेश चटर्जी के द्वारा ठीक है ना और इस एच का नाम चेंज करके आपको बना दिया गया एच एस एर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ठीक है और इन्होंने जो है एच येल्लो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी है ना तो ये आप इतना याद रख सकते हैं इसमें कुछ कुछ आप बुक का नाम भी याद रख सकते जैसे बंदी जीवन सचिन सनयाल ने लिखा था है ना बंदी जीवन ठीक है और एक है पाथेर देवी सो तो पाथेर देवी जो है वो आपको शरद चंद्र चटर्जी शरद चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था ठीक है तो मुझे लगता है इतना से आपका काम चल जाएगा अगला है हु एमोंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नो चेंजेस देखो होती है दिसंबर 1922 में होती है सेशन कांग्रेस की गया में वहाँ पे हेड कौन होते हैं चितरंजन दास अब चित्रंदन दास होते हैं यहाँ पे दो भाग में लोग बट जाते हैं टू ग्रुप्स में लोग होते हैं एक वांटेड चेंज तो जो चेंज चाहते थे कि कुछ चेंज होना चाहिए और एक चाहते थे एक कहते थे कि भाई जो वॉयकट हो रही है वो कंटिन्यू बॉयकट को करो ठीक है तो जो ये चाहते थे कि बॉयकट को कंटिन्यू करो मतलब वो चेंज नहीं चाहते थे तो ये हो गए नो चेंजर और जो वांटेड चेंज चाहते थे उसको बोलेंगे प्रो चेंजर ये दो भाग में कांग्रेस के जो ग्रुप बट गई ठीक है और ये कहते थे भाई काउंसिल में चलो वहाँ पे बैठ करके बात करेंगे और ये नो चेंजर थे बोलते थे कि नहीं अपोज काउंसिल एंट्री तो काउंसिल एंट्री में ये नहीं चाहते थे कि हम एंट्री करें ठीक है सो तो प्रो चेंजर में कौन कौन थे और प्रो चेंजर में कौन कौन थे और नो चेंजर में कौन कौन थे सो तो प्रो चेंजर में जो थे जो आपको चेंज चाहते थे वो कौन थे चितरंजन दास चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू ठीक है और हकीम अजमल खान हकीम अजमल खान इसको स्वराजिस्ट भी बोलते थे स्वराजिष्ट ठीक है और नो चेंजर में थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ठीक है राजगोपालाचारी राजेंद्र प्रसाद एम ए अंसारी ठीक है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एम ए अंसारी और वल्लभ भाई पटेल ठीक है ना विट्ठल भाई पले पटेल ठीक है वी पटेल है तो ये विट्ठल भाई पटेल भी थे ये आपको कस्तूरी रंगा एंगर नहीं थे इसमें आपको नॉट बिलोंग टू द नो चेंजर ठीक है तो ये आप समझ गए और इसी के बाद 1923 में होती है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जिसमें चित्रंजन दास प्रेसिडेंट होते हैं और नेहरू मोतीलाल नेहरू जो होते हैं वो सेक्रेटरी होती है और 19 सितंबर ट्वेंटी नाइनटीन में होती है दिल्ली कम्प्रोाइज ठीक है ना तो दिल्ली कम्प्रोमाइज़ में क्या होता है आप याद रखना दिल्ली मैनी फोस्ट फेस्टो दिल्ली कंप्रोमाइज़ ये सब याद रखना सिमिलर टर्म्स सब तो दिल्ली कम्प्रोमाइज जो सेप्टेम्बर नाइनटीन ट्वेंटी होता है उसमें ये कहा जाता है ठीक है कांग्रेस के विदिन कांग्रेस आप लेकर के आप इसको लड़ सकते हो ठीक है ना इलेक्शन में आप भाग ले सकते हो सो so, ये आपका नो चेंजर्स प्रो चेंजर मुझे लगता है समझ में आ गया द हेड क्वार्टर ऑफ गदर मूवमेंट पार्टी सो गदर मूवमेंट पार्टी का हेड क्वार्टर कहाँ पे था ठीक है तो ये कहाँ था सैन फ्रांसिसको ये 1913 में गदर पार्टी सोहन सिंह भकना वगैरह के द्वारा आपको फाउंड किए गए थे और इसको पहले बोलते थे पेसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन हिंदुस्तान एसोसिएशन ये एक न्यूज़ पेपर निकालते थे जिसका नाम था गदर है ना और इसका हेड क्वार्टर जो था वो युगान्तर आश्रम था बाद में 1948 में इसको डिजॉल्व कर दिया गया था तो मुझे लगता है इतना से आपका काम चल जाएगा अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूज़ पेपर एंड एडिटर्स इज नॉट करेक्टली मैच अब देखो इसमें ये जो है आ, जो वैस नवजीवन किसने किया था नवजीवन ठीक है नवजीवन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था तो ये आपको महात्मा गांधी की तो सारी बुक आपको याद ही रखना है सो वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूज़ पेपर उसके एडिटर कौन थे नवजीवन के महात्मा गांधी ये आपको महारट्टा था उसके बाल गंगाधर तिलक थे बिल्कुल है बंगाली जो थे उस बंगाली जो न्यूज़ पेपर थी उसका सुरेंद्र नाथ बैनर्जी सही है वॉइस ऑफ इंडिया जो है वॉइस ऑफ इंडिया ये स्टार्ट किया गया था कि इस ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था दादा भाई नरोजी दादा भाई नरोजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था अट्ठारह में सो वॉइस ऑफ इंडिया इसमें आंसर नहीं होगा ठीक है और दादा भाई नरोजी ने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है तो मुझे लगता है कि इतने से आपका काम इसमें चल जाएगा अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऑफ लॉर्ड वेलेसली अब लॉर्ड वेलेसली का जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम था उसमें इनमें से कौन सा नहीं था देखो सब्सिडरी अलायंस जो इन्होंने स्टार्ट किया था पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सब्सिडरी अलायंस किसने स्टार्ट किया था तो लॉर्ड वेलेसली हो गया दूसरा बनता है कि सब्सिडी अलायंस में क्या था कि इंडियन रूलर्स को आपको इंडिपेंडेंट फोर्स आर्मी फोर्स नहीं रखने थे ठीक है तो इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रखने थे और उसको जो प्रोटेक्ट करता था कौन करता था कंपनी लेकिन उसको प्रोटेक्शन करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे ठीक है सो द एलाई वुड हैव टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्म्ड कॉन्टिनजेंट बिल्कुल सही है ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर एलाई है ना अपने ब्रिटिश उसकी संरक्षण करेंगे लेकिन वो पैसा जो होगा वो उसको देना पड़ेगा ठीक है क्लियर तो इसके बाद क्या है अगर मान लीजिए पेमेंट नहीं दिया तो क्या करता था टेरिटरी ले लेता था इस तरह से लॉर्ड वेलेसली अपने समय में जैसे अवध का जो बहुत सारा टेरिटरी नवाब ऑफ अवध से ले लिया था वन हाफ ऑफ इस टेरिटरी ले लिया था वो पैसा दे नहीं पा रहा था तो उससे टेरिटरी ले, ले लेते थे ठीक है ना और हैदराबाद से भी बहुत सारा टेरिटरी सीट कर लिया कि वो पैसा नहीं दे रहा था मेंटेन करने के लिए द एलाई वाज फ्री टू इंटर इंटू एग्रीमेंट विद अदर रूलर्स और एंगेज इन वॉरफेयर द टेरिटरी ऑफ इस वुड बी एक्सटेंसन तो ये सही है आपको नॉट पूछ रहा है सो द एलाई वॉज फ्री टू इंटर इन टू एग्रीमेंट विथ अदर रूलर इन वॉरफेयर ये गलत हो गया ठीक है अब सब तो अपने अंदर कंट्रोल करना चाहते थे विच वन ऑफ दंग इज आर करेक्टली मैच्ड परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया था अब ये तो आपको पता होना चाहिए अब इसमें से परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं तो परमानेंट सेटलमेंट जो था वो अब कब आया था परमानेंट सेटलमेंट आपको ये परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल ऑन बिहार ये सत्रह सौ तिरानवे में आया था और लॉर्ड कनवालिस के द्वारा आया था यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है रोयतवारी सेटलमेंट जो है ये सब आप एक एक चीज़ याद रखेंगे रेयत वारी सेटलमेंट जो है अट्ठारह में आया था साउथ में आया था इसमें थॉमस मुनरो था और एक और नाम याद रखिए अलेक्जेंडर रीड ठीक है तो ये भी इसमें थे क्लियर और इसके बाद है महलवारी सिस्टम तो महलवारी सिस्टम जो है वो हॉल्ट हॉल्ट मैकनजी के द्वारा लाया गया था तो ये तीन महावारी सिस्टम ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है जो उत्तर प्रदेश है अभी उसमें लाया गया था हॉल्ट मैकनजी के द्वारा तो मुझे लगता है कि आप इतना ज़्यादा इतना अगर कर लेंगे तो आपका ये इस क्वेश्चन में काम चल जाएगा तो ये तीन आपको याद रखना है ठीक है अगला है हु एमोंग द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल ऑफ निज़ामुल मल्क असफ जहा टू सेट हिमसेल्फ अप एज एन इंडिपेंडेंट रूलर विथ हिज बेस इन हैदराबाद तो ये आपको आंसर होगा चीन क्लिज खान चीन किलिच खान जो है वो हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करके निजामुल मुल्क असफ जाह की उपाधि ये उपाधि है टाइटल निजामुल मुल्क असफ जाह किसने किया था चीन कुलिच खान ने ठीक है और इसमें आपको याद रखेंगे कि ये निजामुल मुल्क असफ जाह चीन कुलिज खान जो हैदराबाद ये इसके द्वारा निजामुल मुल्क असफ जाह के द्वारा ही फ़ाउंड हुआ था सत्रह में हैदराबाद के फ़ाउंड हुई थी ठीक है तो इतना आप याद रखेंगे तो हो जाएगा चीन कुलिज खान ठीक है वन लाइनर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट टेंडेंसी इन द नेशनल मूवमेंट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाइनटीन अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण इन 1936 जवाहरलाल नेहरू अज द कांग्रेस टू एक्सेप्ट सोशलिज्म एज इट्स गोल एंड टू ब्रिंग इट क्लोजर टू द पीजेंट्री एंड द वर्किंग क्लास तो ये बिल्कुल सही है 1934 में आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन हुई थी जिसमें जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया लोहिया जी भी थे इसमें तो ये आपको बिल्कुल सही है पहला और नाइनटीन में है ना आपको जवाहरलाल नेहरू जो है सो अर्ज द कांग्रेस टू एक्सेप्ट सोशलिज्म एड इट्स गोल एंड टू ब्रिंग इट से क्लोजर टू द पेजेंट्री एंड वर्किंग क्लास बोला कि आप सोशलिस्ट को गोल रखो लखनऊ से लखनऊ कांग्रेस हुई थी 1936 में तो वहाँ पे नेहरू ने कहा था कि सोशलिज्म को गोल अपना बना लें तो उससे क्या होगा पेजेंट्री और वर्किंग क्लास भी हमसे जुड़ जाएंगे तो मुझे ये आपको ये दोनों सही है सो आंसर हो गया बोथ वन एंड टू अगला क्वेश्चन है कि इनिशियली व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ द हिल स्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया शुरू शुरू में क्या पर्पस था मतलब आप बाद में तो आप ठीक है शुरू में क्या प्रभाव तो शुरू शुरू में क्या था टू तो सर्व एज विंटर कैपिटल फॉर ये तो बाद में हुआ था कि विंटर कैपिटल समर कैपिटल वो भी विंटर कैपिटल सर्व एज ए विंटर कैपिटल नहीं समर कैपिटल तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया टू तो सर्व द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिश आर्मी की नीड्स को पूरा करने के लिए वहाँ पे जो है सो हिल स्टेशन पे जाते थे ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है टू सोस टिम्बो फॉर फॉरेस्ट और टू सेटअप सैनिटोरिया सेनेटोरिया का मतलब होता है कि आपका एकदम एकांत टाइप का हो गया ठीक है ना सो so, यही आपको आंसर हो जाएगा टू सेटअप शुरू में था कि अपना आप जो फैमिली वैमिली है वो अपना जा करके वहाँ पे रिलैक्स करेंगे है ना तो वो चीज़ें थी कि अपना हिल स्टेशन पे जा करके रिलैक्स करेंगे वैकेशन वगैरह में ठीक है और यहाँ पे जो बाक़ी जो है जो कि आपको टिम्बर्स या फॉरेस्ट के लिए कर वहाँ पर हिल स्टेशन पर वो रहते थे ठीक है ना कॉलोनियल ये कॉलोनियल क्या कहते हैं पर्पज ऑफ सेटिंग ऑफ द हिल स्टेशन हिल स्टेशन बनाते थे बस घूमने उमने जाने के लिए टू सेटअप सेंटोरिया बाद में उसको समर कैपिटल बना दिया था ठीक है अगला है हु अमॉंग द फॉलोइंग फाउंडर्स ऑफ धर्म सभा हमने बात कर लिया है राधाकांत देव ने आपको धर्म सभा का गठन किया था ठीक है ना केशव चंद्र मैंने नव विधान बोला था आपको कि केशव चंद्र बाद में नव विधान किए थे ठीक है ना पहले तो जुड़े रहे थे दूसरे में बाद में नव विधान का इन्होंने बनाया था ठीक है अगला है द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड हिच ऑफ द फॉलोइंग तो गांधी इरविन पैक्ट कब होती है 1931 में राउंड टेबल टू कॉन्फ्रेंस जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उससे पहले सो इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल इसमें बात हुई थी कि कांग्रेस को इनवाइट करनी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो ये आपको बिल्कुल सही है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए इरविन जी ने गांधी जी को मनाया था इन्वाइट किया था तो ये तो बिल्कुल सही है दूसरा है कि विड्रॉल ऑफ़ ऑर्डिनेंसेज प्रोमिगलेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट अब जो अध्यादेश जो था जो आपको uh, जो सिविल सीडीएम चल रही थी तो उसके कारण जो उसके कनेक्शन में सी को रोकने के लिए जो ऑर्डिनेंस थी और वो आपको हटा देना था तो ये बिल्कुल सही है इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस तो ये आपको है एक्सेप्टेंस ऑफ आ, ये हो गया और है रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु वेयर नॉट चार्ज विद द वायलेंस बिल्कुल इसमें किया गया था और इसी में भगत सिंह वगैरह को इन्होंने नहीं कंसिडर किया था ठीक है ना इसके बाद आपको आ, जो सॉल्ट मार्च वगैरह में गए थे उनको जो प्रिजनर्स लोग थे वो उनको जो है सो छोड़ देने के लिए बात किया था इसके बाद जो टैक्स साल्ट पे टैक्स लगता था वो भी खत्म करने की बात हुई थी ठीक है अब इसमें गांधी जी की दो डिमांड इन्होंने माना नहीं था गांधी जी इरविन पैक्ट में जो वायसराय इरविन थे लॉर्ड इरविन उन्होंने दो डिमांड को नहीं माना था ठीक है ना और एक जो पुलिस एक्सेस हुई थी लोगों के साथ में है ना ड्यूरिंग सी उसकी इंक्वायरी ये नहीं माना था ठीक है और दूसरा जो भगत सिंह के थे है ना तो वो भगत सिंह Uh, को जो फांसी होने वाली थी उसको वो नहीं माना बोला कि नहीं जो सिविल जो वायलेंस करके आए हैं उनको उनकी सजा में माफ़ी नहीं मिलेगी बाकी को हम प्रिजनर को छोड़ देंगे तो दो चीज़ें मानी नहीं थी और गांधी जी बाद में बोले थे ठीक है हम जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और हम सी को अभी तत्काल इफेक्ट में बंद करते हैं तो ये दो चीज़ गांधी ने इसमें किया कहा था और बाकी चीज़ इन्होंने किया था सो वन टू एंड फोर इज़ द सुटेबल आंसर ओके अगला क्वेश्चन है द विटल विद क्या है आपको विटाल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश वाज किसने पब्लिश किया ये जो आपको विटाल विध्वंसक था जो मंथली जर्नल था उन्होंने स्टार्ट किया था गोपाल बाबा वालांगर वालांग ने किया था और जो विटाल विध्वंसक था डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्रह्मेनिकल और सेरेमोनियल पॉल्यूशन इसका ये था है हाँ ना तो इस पर आपको जर्नल निकाला गया था तो ये आप याद रखेंगे सबसे पहले जो पब्लिश हुआ था वो एटीन एटी नाइन में पब्लिश हुआ था तो इतना से काम हमारा चल जाएगा ठीक है अगला है विथ रेफरेंस टू द बुक देश देशेर कथा ठीक है ना रिटेन बाई सखाराम गणेश देवस्कर ठीक है ना सो so, आपको दो चीज़ें यह इसमें समझ गए कि देशेर कथा किसने लिखा था सखाराम गणेश देवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट वार्न नगेज द हाइपो हाइपनोटिक कॉन्क्विस्ट ऑफ द माइंड इट इंसपायर द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्टेट प्लेज एंड फोक सांग्स द यूज ऑफ देश बाय देवस्कर है ना वाज़ इन द स्पेसिफिक कंटेक्स ऑफ द रीजन ऑफ बेंगल विथ रेफरेंस टू द बुक देस एयर कथा रिटर्न बाय सखाराम गणेश देवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है तो जो विद रेफरेंस टू द बुक देसर कथा रिटेन बाई सखाराम गणेश देवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सो इट वांड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हाइपनोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड तो ये बिल्कुल सही है और ये सबसे पहले जो पब्लिश हुई थी 1904 में हुई थी और इंस इट इंसपायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्टेट प्लेज एंड फॉक सॉन्ग ये भी सही है और इसमें देश को सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बोला था ये देश को पूरे इंडिया के लिए बोला था तो ये आपका आ, गलत हो गया सो so, आंसर क्या हो जाएगा आपका वन एंड टू ओनली सो द आंसर इज वन एंड टू ओनली ठीक है अगला है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलगुलन है ना उलगुलान द ग्रेट टिमुलट इज द डिस्क्रिप्शन फिच ऑफ द फॉलोइंग कौन से इवेंट को बोलते हैं उलगुलन तो ये आपको एनसीआर टी में लिखा हुआ है जो बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट थी है ना वो आपको उसको बोलते थे उलगुलन अब देख लो एनसीआरटी में लिखी हुई है उलगुलन बिरसा मुंडा ठीक है हु एमोंग द फॉलोइंग रूलर्स मे गुजरात सरेंडर टू पुर्तगाली दिव पुर्तगाली को दे दिया था किसने दिया था ये थे बहादुर शाह जी ठीक है गुजरात के रूलर थे और इन्होंने पुर्तगाली को दीव सरेंडर कर दिया था अगला है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगॉल डिजाइंड एज द गवर्नर जनरल कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ़ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा ठीक है ना तो ये था आपको तो द चार्टर एक्ट ये आपको इस समय कौन बन गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक अब रेगुलेटिंग एक्ट सब सत्रह सौ तिहत्तर में और पिट्स ऑफ इंडिया सत्रह सौ चौरासी में आई थी है ना और पिट्स इंडिया में फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया पिट्स इंडिया में होगा इसके बाद इसमें आप याद रख सकते हैं कि अठारह सौ सत्रह सौ तिरानवे में क्या हुआ था तो सेवनटीन में उतना कुछ है नहीं तो आप इतना याद रखें और सत्रह में सत्रह में सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में खुला था ठीक है तो चार्टर है अठारह में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया था अगला एक कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वो ऑफ द एमोंग वाज द एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी तो मैंने शायद ये क्वेश्चन बना लिया था कि इसमें सबसे ज़्यादा गदर मूवमेंट में जो थे वो कौन थे आ, गदर मूवमेंट जो इस्टेब्लिश हुआ था वो उन्नीस में हुआ था और यूनाइटेड स्टेट में लाला हरदयाल संत बाबा फिर बाबा ज्वाला सिंह संतोष सिंह सोहन सिंह भकना ये सब जो थे उनको आ, इनके द्वारा बनाया गया था और इसमें आपको मूवमेंट में कौन कौन थे आ, वरिंदर कुमार घोष थे नहीं इसमें सिर्फ इसमें ना ही वरिंदर कुमार घोष है ना जोगेश चंद्र चटर्जी है इट्स अ रास बिहारी बोस जो है सो इसमें थे ठीक है सो रास बिहारी बोस हमारा आंसर हो जाएगा अगला है विध रेफरेंस टू एथ अगस्त 1942 फोर्टी टू इन द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास द दायसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड नहीं बिल्कुल द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड नहीं क्रिप्स प्रपोजल नहीं ये आपको भारत छोरों का रेजोल्यूशन पास किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा ठीक है अगला क्वेश्चन है हु एमोंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रीजन ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश ये कौन थे भाई सॉन्ग्स फ्रॉम्पीजन तो ये 1934 में आया था और ये थे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी ठीक है अगला है हु एमोंग द फॉलोइंग पोलिटिकल लीडर्स सजेस्टेड रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाई लोक लेप सेवक संघ महात्मा गांधी अपनी देत से पहले ट्वेंटी नाइन्थ जैन 1948 को वो पहले से ही सजेशन देते थे कि कांग्रेस का काम है भारत को आज़ाद कराना कांग्रेस जब भारत आज़ाद हो गया तब तो कांग्रेस को डिजॉल्व कर देना चाहिए ठीक है तो 29 जनवरी 1948 को जिस दिन वो 30 को देत किए उससे पहले उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था किसका लोक सेवक संघ का ठीक है ना तो आपको इनके साइड पर आपको सारी मिल जाएंगी है ना सो एसोसिएशन ऑफ सर्वेंट्स ऑफ द पीपल है ना ठीक है ना और इसमें ये चाहते थे कि भाई आई को डिजोल्व कर दिया जाता कौन चाहते थे महात्मा गांधी ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी यात्रा इस साल मार्च के बारे में कौन सा सही नहीं है सो इट वॉज फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर गांधी अलाउड द वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय द मार्च वॉज फुली कवर्ड बाय द वेस्टर्न प्रेस द मार्च बिगिन आफ्टर द फेल्यूर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है तो पहले अगर आप इसको सही से देखोगे तो द मार्च बिगेन आफ्टर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन ये है आपको गलत क्यों गलत है क्योंकि जो आर पहला आर हुआ था वो नवंबर नाइन्टीन थर्टी से जनवरी नाइनटीन थर्टी वन तक हुआ था सो so, नवंबर में हुआ था और डांडी मार्च जो है बारह मार्च नाइन्टीन ट्वेल्व मार्च है ना नाइनटीन थर्टी से आपको होते हैं डांडी मार्च ठीक है ना और अप्रैल उन्नीस सौ तीस तक चलता है और इसके अंदर में आपको जो है सो तो ये पहले तो गलत हो गया इट वाज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी बाकी सारी सही है इट वॉज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच वीमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर और गांधी जी वीमेन को अलाउ किए थे इसके रिक्वेस्ट पे कमला देवी चट्टोपाध्याय के रिक्वेस्ट पे ठीक है और मार्च द मार्च वॉज फुल्ली कवर्ड बाई द वेस्टर्न प्रेस सबके द्वारा कवर किया गया था अब इसमें जो है तमिलनाडु से जो थे जो आपको इसमें याद रखना है वो याद रखना है कि मालावाड़ रीजन से कौन इसमें सॉल्ट यात्रा में थे तो वो थे के केलप्पन इसके बाद तमिलनाडु से अगर बात करें कि तमिलनाडु से कौन थे तो आप याद रखेंगे सी राजगोपालाचारी है ना ये आपको तिरुचिपल्ली कहाँ से कहाँ तक गए थे तिरुचिरुपल्ली टू वेदारण्यम ठीक है ये तंजोर कोस्ट पे तो यहाँ पे गए थे साल्ट का कलेक्शन करने इसके बाद उड़ीसा से कौन थे भाई उड़ीसा से भी याद रखिए कौन थे गोपाल बंधु गोपाल बंधु ठीक है ना चौधरी बिहार से कौन थे बिहार के चंपारण सारण में थे आ, पटना के नखाज पिंड याद होगा आप लोगों को जो बिहार की तैयारी करेंगे होंगे नखाज पिंड इसके हेड कौन थे इसमें जो नखाज पिंड वहाँ पे तो कोस्ट लाइन है नहीं तो नखाज पिंड से पिंड तक गए थे है ना तो नखाज पिंड हो गए तो इसमें आपको याद रखना है कौन थे अम्बिका कांत सिन्हा अंबिका कांत सिन्हा यहाँ से पार्टिसिपेट कौन कहाँ से किया था वो आपको इसके बाद इतना मुझे लगता है इससे काम आपका चल जाएगा ठीक है द ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कब फॉर्म की गई थी ब्रिटिश कमिटी ऑन इंडियन नेशनल फॉर्म कांग्रेस ये फॉर्म की गई थी 1889 में है ना और इसका पर्पस था कि इंडियन इशू को जो ब्रिटेन की पब्लिक है वहाँ पे जाकर के अवे रेज करना है ना सो इट पर्पज टू रेज अवेयरनेस ऑफ इंडियन इशू टू पब्लिक पब्लिक में जाकर बताना ब्रिटेन में है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ के लिए स्पॉन्सिबल है और देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ देम तो ये ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन आई एन सी में हुआ था विच वन आम द फॉलोइंग वॉज डिमांडेड बाई द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीडर कॉन्फ्रेंस एट बम्बे बॉम्बे में होती है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कॉन्फ्रेंस बॉम्बे और वहाँ पे आपको आ, कौन रहते हैं अम्बेडकर जी डिमांड करते हैं कि भाई जो अनटचेबल हैं है ना उनको भी आपको सेपरेट इलेक्ट्रेड देते हैं देने पड़ेंगे है ना और और ये डिमांड करते हैं और ब्रिटिश पीएम जो मैकडोनल्ड होते हैं वो अगस्त 1919 1932 में अवार्ड भी दे देते हैं कि हाँ ठीक है भाई मुस्लिम सिख क्रिश्चियन माइनॉरिटी डिप्रेस्ड क्लास को और इसको आपको हम वोट दे देंगे डिप्रेस क्लास को डबल वोट की बात की गई थी ठीक है सो सेपरेट इलेक्ट्रेड फॉर अनटचेबल ये आपको जो है सो भीमराव अंबेडकर ने ये आपको ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीडर में मांगा था ठीक है और इसके बाद आपको ये फिर होती है आपको पूना पैक्ट ठीक है पूना पैक्ट में कौन कौन होते हैं वो जाते हैं बी आर अम्बेडकर मदन मोहन मालवीय और एम सी राजा ये पैक्ट साइन करते हैं और इसमें बात होती है कि 18 परसेंट सेट सीट जो होगा वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में डिप्रेस लोगों को देंगे 24 सितंबर 1932 को ये पास होती है तो आपको ये पूना पैक्ट भी याद रहना चाहिए अगला है इकतीस दिसंबर उन्नीस को इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन वाज प्रोक्लेमेशन ऑफ पूना स्वराज मेड अब देखो इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं कि पहला क्या है कि पूर्ण स्वराज जो हुए थे वो कब थे पूर्ण स्वराज जो हैं वो आपको लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी तो 1929 में लाहौर सेशन हुई थी लाहौर में ठीक है क्लियर सो so, लाहौर सेशन में इसकी पूर्ण स्वराज की बात हुई थी क्लियर तो ये हो गया ये आपको सारी दी हुई है अगला है कि द प्रोविजन फॉर सेपरेट फॉर मुस्लिम किस में दिया गया था कौन से एक्ट में तो ये था आपको मोरली मिंटो रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको बोलते हैं मॉरली मिंटो है ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसमें बोला गया था कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 थर्टी सेवन इन विच टू प्रोविसेज वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट एबल टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी जगह पे जो 1937 में होती है इलेक्शन तो इलेक्शन में कौन से दो जगह पे आ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं इमर्ज करती है सो so, कांग्रेस जो है पांच प्रोविंस में तो पूरी इनकी फुली मेजोरिटी मिल जाती है कौन कौन यूनाइटेड प्रोविंस बिहार मद्रास सेंट्रल प्रोविंस और उड़ीसा बंगाल है ना बंगाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और असम और बम्बे ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस रहती है ठीक है ना तो ये हो गया तो असम वाला तो आप सारा ऑप्शन ही छाट दो तो ये पंजाब एंड सिंध में इनको नहीं मिलता है समझ में आ गया तो आंसर क्या हो गया पंजाब एंड सिंध गांधी जी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपेयरस इन इंडिया हैपेंड इन विच वन ऑफ तो द फॉलोइंग सिटी जब मैं क्रोनोलॉजी बता रहा था उस समय मैंने बताया था कि गांधी जी सबसे पहला जो मेजर पब्लिक अपियरेंस था वो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फरवरी 1916 में था सो so, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनका पहला पब्लिक अपियरेंस था ठीक है अगला है कि एट द बिगनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 हंड्रेड फाइव हु आज द सेक्रेटरी ऑफ बंगिया बांगिया साहित्य परिषद बांगिया साहित्य परिषद का सेक्रेटरी कौन था देखो पहले तो है कि बांगिया साहित्य परिषद जो है वो बनाया किसके द्वारा गया था तो ये बनाया गया था अठारह में और इसमें थे लियोटार्ड एल लियोटार्ड एक नेम था और एक था क्षेत्रपाल चक्रपति क्षेत्रपाल चक्रवर्ती है ना और इसको बंगाल एकेडमी ऑफ लिटरेचर भी बोलते हैं बंगाल एकेडमी ऑफ लिटरेचर ठीक है उनतीस अप्रैल अठारह को इनका नाम चेंज करके बनवा दिया गया बंगिया साहित्य परिषद अठारह में इनका नाम चेंज कर दिया गया सतीश चंद्र मुखर्जी जो थे वो आपको राइटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और ये स्वदेशी मूवमेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो एज अ सेक्रेटरी ऑफ ये आ, बंगिया साहित्य परिषद का सेक्रेटरी सर्व कर रहे थे उस समय ठीक है ना और ये आई एन के भी मेंबर थे तो आंसर हो गया सतीश चंद्र मुखर्जी अगला है कि एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हु एमॉंग द फॉलोइंग लेट टू लेट द फिक्की डेलीगेशन अब ये फिक्की डेलीगेशन में कौन थे ठीक है ना तो ये आपको आ, फिक्की डेलीगेशन में जी डी बिरला और ठाकुरदास जी थे ठीक है ना अब इसमें आपको सारी डिटेल है जैसे कांग्रेस से कौन गए थे गांधी जी गए थे विमेन से कौन गए थे सरोजनी नायडू गए थे और आपको जो फॉर ये इसके बाद कांग्रेस सिर्फ एक ही में पार्टिसिपेट किया था तो ये भी याद रखना है तो इसमें देखो आपको पूरी दी हुई है कि इसमें इंडस्ट्री से जो थे वो घनश्याम दास बिरला सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और मनिक जी दादा भाई ये इतने लोग इंडस्ट्री से गए थे जो कि आप मान सकते हो कि फिक्की से गए थे ठीक है इसके बाद लेबर से एन एम जोशी गए थे वी वी गिरी गए थे लेबर से और इसके बाद आपको विमेन से सरोजनी नायडू गई थी तो ये आपको याद रखना है इसके बाद आपको कांग्रेस से पता ही है कि इसमें कांग्रेस से कौन गया था महात्मा गांधी और ये सिर्फ महात्मा गांधी ही गए थे बाकी लोग मुस्लिम से जो गए थे लिबरल से डिप्रेस्ड क्लास से बी आर अम्बेडकर गए थे क्लियर तो ये थर्ड में गए थे सॉरी सेकेंड में अब ये क्वेश्चन ये आता है कि कौन ऐसे थे जो सारे आर तीन हुई थी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और सब में पार्टिसिपेट किए थे तो एक थे आपको अम्बेडकर जी अपने एक थे तेज बहादुर सपरूप बहुत बार पूछा है क्वेश्चन तेज बहादुर सपरूप एक थे एम आर जयंकर जयकर एक थे एनएम जोशी जो लेवर के थे और एक थे, थे सीएन मुदालियर ये इतने थे अंबेडकर तेज बहादुर सपरूप एनएम जोशी ये सब जो थे वो हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे तीनों में हु एमोंग द फॉलोइंग हेडेड द इंडियन स्टेट कमेटी फॉर्म इन दाइनटीन ट्वेंटी एट में नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में जो प्रिंसली स्टेट थे वो एक उन्होंने बना लिया था स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्या बनाया था स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस और ये चाहते थे कि जो हमारी सेल्फ गवर्निंग करनी है ब्रिटिश पे ये नहीं है अब ब्रिटिश को डर लगने लगा है ना तो ब्रिटिश को डर लगने ब्रिटिश ने बनाया एक बटलर कमेटी क्या बनाया बटलर कमेटी जिसको हम लोग इंडियन स्टेट्स कमेटी बोलते हैं ये दिसंबर 1927 में अपॉइंट हुआ था और कि जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल रिलेशन सिंग अभी जो ब्रिटिश क्राउन के साथ और प्रिंसली इस्टे, स्टेट्स के साथ कैसा है है ना तो इसमें तीन मेंबर की कमेटी थी जिनका हेड कौन था सर हारकोट बटलर ठीक है और ये आपको देख रहे थे कि कैसी रिलेशन है है ना नेहरू कमेटी जो थी वो बटलर कमेटी को आपको क्रिटिसाइज किया था इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है बाकी मैंने बहुत लिख दिए हैं आप इसको पढ़ सकते हो हु मॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल इसमें दो चार क्वेश्चन बनते हैं देखो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो क्या बोलोगे आप बोलोगे आप आंख बंद करके कि रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इसके बाद अगर आप सिर्फ इसमें कल लगा दें कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर वॉरन हॉस्टिंग होगा ठीक है इसके बाद अगर आपको बोलेगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेगा गवर्नर के साथ जनरल ऑफ बंगाल नहीं इंडिया बोलेगा तो क्या बोलोगे आप सर विलियम बैंकिंग ठीक है इसके बाद बोलेगा फर्स्ट वायसराय कौन था फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया तो आप बोलोगे लॉर्ड कैनिंग ठीक है ना लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या बोलेगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो क्या बोलोगे चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ठीक है तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा और इसमें पूछा है फर्स्ट वायसराय तो कैनिंग जो है वो फर्स्ट वायसराय थे ये मैंने आपको सारा लिख दिया है अगला है कि हु डिड नॉट ए कंपनी गांधी गांधी जी ड्यूरिंग हिज विजिट टू एन एफ एन डब्ल्यू एफ पी इन अक्टूबर नाइनटीन थर्टी एट अब आप समझो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जब महात्मा गांधी विजिट किए थे कब किए थे अक्टूबर नाइनटीन थर्टी एट में तो कौन इनमें नहीं किया था एक पिक्चर दी हुई एन सी आर टी में वहाँ पे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी उस पिक्चर में दो तीन लोग हैं और लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी इन द एनडब्ल्यू एफ पी अक्टूबर नाइनटीन थर्टी एट विथ खान अब्दुल गफ्फार खान है ना और जिसको फ्रॉन्टियर गांधी भी बोलते हैं सुशीला नायर एंड अमतुस सलीम तो ये आपको कौन से नहीं है ये अब आप देखो पिक्चर के नीचे जो लिखा हुआ है उससे क्वेश्चन उठाया हुआ है ठीक है अब हम लोग ये तो हमारा हो गया कि इतना सारा हमें पढ़ना था अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता दूँ इसमें एक्स्ट्रा क्या बता दूँ मैं चाहता हूँ कि आपको इसमें थोड़ी सी मैं इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन बता दूँ कुछ तो एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एक जगह पे ठीक है ओके okay, सो so, बहुत लेट हो गया तो लोग बोल रहे हैं कि अब आज के लिए ठीक है तो आ, आज मैं छोड़ देता हूँ मैं कल आपको बता दूँगा इसमें एक बार कि जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं वो और फिर 1857 में और कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कल कर लेंगे ठीक है ना मतलब कल में मिन, मीन्स कि नेक्स्ट सेशन में ठीक है ना सो टुडेज कोर्ट क्या है कि इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आर टू स्मॉल थोड़ा ड्रीम बड़े होने चाहिए ठीक है ना जिसको करने के लिए आपको सोचना पड़ जाए तो दिस इज द कोट और आपको पी मिल जाएगी और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि और भी बाकी जो एस्पेक्ट है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के उस पर हम लोग बात करेंगे बाकी हम लोग बात किए ही हैं एटीन फिफ्टी सेवन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किए तो एटीन फिफ्टी सेवन पे करेंगे आई एन ए पर हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन एच हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी पे क्वेश्चन कर लिया हमने इसके बाद आपको डांडी मार्च पर आप लोग समझ गए होंगे सी डी एम पे क्वेश्चन हमने किया है इसके बाद आपको जो है क्यूट इंडिया मूवमेंट पे भी क्वेश्चन किया है और भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम लाएंगे और यही सब मेन है जिसमें कि आपको एक थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था अहमदाबाद कब हुआ था खेड़ा कब हुआ था रॉलिट सत्याग्रह कब हुआ था जालियावाला मैस्कियर कब हुआ था ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें गांधी इरविन पैक्ट में क्या था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था सेकेंड क्या था थर्ड क्या था इन तीनों में क्या कॉमन थे है ना तो ये सारी चीज़ें याद है दिल्ली पैक्ट दिल्ली पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट को ही बोलते हैं है ना तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखेंगे बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आपको पूरा गो थ्रू करवा दो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग